केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेगुलेशंस की घोषणा की। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे। केंद्र सरकार ने दोनों माध्यमों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सबको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगी और 14 दिन में इसे निपटाना होगा। महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा जो भारत का निवासी होगा। एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहेगा। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी। सोशल मीडिया पर कोई खुराफात सबसे पहले किसने की, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा। हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पता होना चाहिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए नियम गुरुवार से ही लागू हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को 3 महीने का वक्त मिलेगा। अब जानिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस क्या हैं। OTT और डिजिटल न्यूज़ मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। दोनों को ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू करना होगा। अगर गलती पाई गई तो खुद से रेगुलेट करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगी। सेंसर बोर्ड की तरह OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी। एथिक्स कोड TV सिनेमा जैसा ही होगा। डिजिटल मीडिया पोर्टल्स को अफवाह और झूठ फैलाने का कोई अधिकार नहीं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।